नुक्कड़ ज्योति चैनल में आपके साथ प्रियंका। रायसन नगर से हमारे संवाददाता राम स्वरूप नायक ने बताया। रायसन नगर पंचायत समिति में पेयजल की मांग को लेकर गांव सात टीके के ग्रामीणों द्वारा आज चौथे दिन भी धरना जारी। वे कार्मिक अनशन दो व्यक्तियों द्वारा आज शुरू किया गया। भारी संख्या में ग्रामीण धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पुरजोर तरीकों से अपनी पेयजल समस्या को उठाने के लिए धरना लगाया। वे कार्मिक अनशन शुरू किया गया। वहीं कार्मिक अनशन पर बैठे ग्रामीण सतपाल सिंह व नौजवान सभा के तहसील अध्यक्ष सुभाष नायक कार्मिक अनशन पर बैठे। वहीं माकपा जिला सचिव शौपत राम मेघवाल ने माला पहनाकर कार्मिक अनशन शुरू करवाया। अनशन पर बैठे सतपाल सिंह ने आरोप लगाया कि जब चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि यहां तक कह देते हैं कि जब तक आपके गांव सात टीके में पाइपलाइन नहीं लगेगी तब तक हम घर नहीं जाएंगे, परंतु आज हमें पेयजल पानी के लिए अनशन पर बैठना पड़ रहा है। माकपा सचिव ने पंचायत समिति विकास अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोमवार तक पेयजल पाइपलाइन चालू नहीं की गई तो हम पंचायत समिति के ताला लगाकर आगे बैठ जाएंगे। जब तक पाइपलाइन मंजूर नहीं होगी तब तक हम ताला नहीं खोलेंगे। धरने में आज गुरवीर सिंह, मुकेश दिल्ली, राकेश ठोलिया आदि भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नमस्कार, आज हम पहुंचे पंचायत समिति जहां गांव सात टीका के कुछ ग्रामीण है जो पानी की मांग को लेकर धरना लगाया है। आज उन्होंने चौथा दिन है, आज उन्होंने कार्मिक अनशन भी शुरू किया है जिसको लेकर हम उनसे भी वार्ता करेंगे। पानी पेयजल के लिए एक तरफ केंद्र सरकार व राज्य सरकार कह रही है ढाणी ढाणी गांव गांव तक पानी पहुंचाएंगे, परंतु अभी तक कई गांव ऐसे हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं और उनको पानी पेयजल के लिए धरना लगाना पड़ता है, वह अनशन करना पड़ता है। मैं उनसे बात भी करना चाहूँगा। हाँ सर, आप बताइए। पिछले चार दिन से साठी के गांव के ग्रामीण इस पंचायत समिति कार्यालय में अपने गांव में पीने की पानी की व्यवस्था संचारू करने की मांग को लेकर यहां शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए। साठी के गांव के अंदर मजबूरी के अंदर पूरी पाइपलाइन टूटी पड़ी है, ग्रामीण जोड़ का पानी पीने को मजबूर है और बार बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी इनकी जायज बात है वो नहीं सुनी जा रही है। आज ग्रामीणों की तरफ से दो साथी सतपाल सिंह व नौजवान सभा के सुहास नायक हैं, उन्होंने कार्मिक अनशन शुरू किया है और हमारी प्रशासन को चेतावनी है कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद नहीं सोए, इन ग्रामीणों की जायज बात है उसकी सुनवाई करे, अन्यथा सोमवार से इस पंचायत समिति कार्यालय के तालाबंदी करके और सारे लोग घेर के बैठेंगे और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा इस पंचायत समिति वीडियो का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, दो अनशनकारी भी बैठे, उनसे भी पूछ लेते हैं। मैं गांव साटीके से सतपाल सिंह। हमारे मौजूदा विधायक बलवीर सिंह लूथरा, जब इलेक्शन का टाइम था उस टाइम उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हमारे जब मैं जीत के आऊँगा उसी टाइम गांव में आऊँगा जिस टाइम आपके पाइप लगेगी उसी टाइम मैं अपने घर जाऊँगा जिस टाइम साठ टीके में पानी आएगा। इंकलाब जिंदाबाद।